देखा तूने? देखा क्या किया उन्होंने? मार दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा बेटा ना समझ है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जान गंवा दी। वो मेरा इकलौता बेटा था, दुनिया की नजर में पागल होता लेकिन मेरे सामने तो होता, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी और अब देखो क्या हुआ, उसने जान से मार कर तालाब में फेंक दिया। अब चुप क्यों है? अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना? कितना समझाया था कि इन सब में मत पड़ना, हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। परम गुरु साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उन पर भरोसा रखिए, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहा था वो। वादा करके भी तुम उसकी हिफाजत उनसे नहीं कर पाए, क्या मिला? आखिर क्या मिला तुम्हें? गरीब है, मरता है तो मरने दो, ऐसा ही सोचा होगा ना? या फिर मैं अकेली हूँ कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सोचा होगा ना? मेरे बेटे को एक भी खरोच आई तो पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, कहा था ना? देखो इसका क्या अश्र किया है उन्होंने, एक माँ से बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई, ऐसे पुलिस किस काम की? बोलो किस काम की? उतार कर फेंक दो अपनी वर्दी। लॉकअप से इन तीनों गुंडों को मेरे पास लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। शिवा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी कॉपी लेकर आओ। आप चिंता मत कीजिए सर। देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आए हैं। तो SCP गुरु, दरअसल मैं चाहता हूँ कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ये बेफिक्र हो जाएंगे। I'm sorry, सर। मैं प्रभाकर मर्डर केस पर काम कर रहा हूँ, उसमें एक सबूत मेरे हाथ लगा है, उस केस को मैं छोड़कर किसी और केस पर कैसे काम कर सकता हूँ? मिस्टर गुरु, ये होम मिनिस्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा ये ऑर्डर है कि ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे। ACP साहब किसी और केस पर काम कर रहे हैं और आप उसे छोड़कर मेरी हिफाजत करने के लिए बोल रहे हैं, आपका एहसान रहेगा DGP साहब। आजा। हाँ भाई। घबरा क्यों रहा है? बिंदास आजा। क्या बे शिवा, इस गुरु को देखकर घबरा गया? अब ये तुझे पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, इसकी ड्यूटी बदलवा दी मैंने। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी। अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा आजा।
सुन ले गुरु, अब समझ आया तुझे मैंने अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? आई ना अकल ठिकाने, ये शिवा मेरा बच्चा है, इसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अगर इससे खरोंच भी आई तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ, इसलिए इसका पीछा करना छोड़ दे। अगर नहीं माना तो सुन ले, फिलहाल एक हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, वो एक महीने का भी हो सकता है और एक साल का भी। और तो और, जब तक रिटायर नहीं हो जाते तो पुलिस की वर्दी में रहोगे लेकिन करोगे वॉचमैन का काम। और तू कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए दिल के बदले दिमाग से फैसला करना। हे शिवा, चल एक जाम हो जाए। थैंक यू भाई। देखा भाई, आपसे लड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, एक ना एक दिन उसे आपके पैरों में आना ही पड़ता है। Cheers, भाई। वेलकम गुरु, पैर पकड़ने आए हो क्या? मैंने हजारों को देखा है, भाई के ताकत के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं। तू भी जा झुक जा, जाना जो देख गुरु, हाथ मिलाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा, और हाथ उठाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैंने काफी सोचा सर कि यह शिवा आपकी जान है, इसे कुछ हुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसे मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अब आपसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, यही मेरा फैसला है। हे शिवा, घबरा रहा था ना? ये मुझसे उलझ रहा था, गुलाम बना के रख दिया इसे मैंने, आखिर इसे झुकना ही पड़ा ना। बोल गुरु, क्या चाहिए? बोल बोल, मांग। और क्या चाहिए होगा मुझे, मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। ये क्या किया तूने? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कुछ भी हो जाए सरकार को जवाब तो देना ही होगा ना। मैं जरूर दूंगा कि यह गुंडा तुझे मारने आया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने इसे मारा। क्यों, झटका लग गया क्या? इसी वक्त तुझे मारकर एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी मुझे कि इसने तुझे मारा और तेरे बचाव में मैंने इसे मारा, लेकिन मेरे प्रोटेक्शन में अगर तू मारा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, समझा? और हाँ, वो क्या बोला था तूने? हाँ, जिंदगी भर मुझे वॉचमैन बनाकर रखेगा, बना ले, मैं तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? उन तीनों ऑफिसर्स के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? जी हाँ सर, अब हमें फौरन एक्शन लेना होगा। देखो गुरु, जयप्रकाश वीआईपी आदमी है, जयप्रकाश पर एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसीलिए मैं इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ सर, वो पूछताछ करेंगे तो हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? जानता हूँ सर, इसलिए जिसके पास ये हक है उन्हें अपने साथ लाया हूँ। कौन है ये लोग? जिन ऑफिसर्स का कत्ल हुआ है उनका परिवार अगर ये अर्जी दे दे तो इंक्वायरी कमीशन इनकार नहीं करेगी सर। सर, हमें तो लगा कि हमारे पति फसाद का शिकार हुए हैं, लेकिन उनका तो कत्ल हुआ है, ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें इंसाफ चाहिए सर,
चाहे कुछ भी हो जाए, उन गुनहगारों को पकड़कर आपको ही सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। 30 लोगों की हत्या और उस वारदात की इंक्वायरी के लिए सरकार की तरफ से रिटायर जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज।